तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं आदित्य। तो आप देख रहे हैं हिंद गेमर। तो आज हम बनाने वाले हैं एक्सपी फार्म। तो मैंने पिछले बार एक्सपी फार्म बनाया था लेकिन वो काम नहीं किया। तो आज हम एक न्यू एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा पिछला एक्सपी फार्म। यहाँ से सारे पिगलिंस बाहर आ गए थे। तो आज हम न्यू एक्सपी फार्म बनाएंगे। ये देखिए पीछे से आने लगे, तो इसमें यही गड़बड़ था। तो आज हम नया बनाने वाले हैं। तो चेस्ट में हमारा सारा सामान है जिससे हमारा एक्सपी फार्म बनेगा। तो हमने सारा सामान ले लिया है। अब हम कोई अच्छी जगह खोजते हैं। ये वाली जगह ठीक लग रही है। हम पहले डे कर देता हूँ। तो डे हो चुके हैं। वहाँ स्केलीटन जल रहा है। हेलो स्केलीटन, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह करना है। ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो आपको पहले एक पोर्टल बनाना है। तो आपको पोर्टल बनाने के बाद यहाँ फ्लिंट स्टील नहीं डालना है। आप एक गैप छोड़ के यहाँ ब्रिक लगा दीजिएगा, ब्रिक ब्लॉक। और ये आपका नीचे वाला रूम होगा जहाँ से आप अपने गोल्ड लेंगे। यहाँ जो आएगा आपको एक्सपी अलग तरफ से मिलेगी। अगर पिगलिंग्स को आप किल करते हैं तो उनका जो स्वॉर्ड होगा वो नीचे चेस्ट में आएगा। तो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही कीजिएगा। तो आपको नीचे जाने के लिए कि ये बनाना पड़ेगा जगह, मैंने जिस तरह बनाया है। यहाँ ब्रिक लग गया। तो आप सेम टू सेम मेरी तरह कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा वरना आपका एक्सपी फार्म नहीं बन पाएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है आपके वर्ल्ड को। हे गधे, हाँ मेरे पीछे गधा चल रहा है, पैर चला नहीं रहा है। माइनक्राफ्ट में बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। तो आपको इस तरह यहां पर कर लेना है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह कीजिएगा, यानी कि आप अपने मन से ढक रहे हैं तो हो जाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे कीजिएगा। यहाँ स्टिकी पिस्टन लगाना है आपको। यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लगाने के बाद आपको लीवर लगाना। पहले चेक मैं कर रहा हूँ कि किसी और तरफ से लीवर हो रहा है कि नहीं।
तो आपको एक गैप छोड़ देना है। नहीं हो रहा है ये, एक मिनट, ये तो हो ही नहीं रहा है। ओ मैं समझ गया, उस समझ के मैं एक ब्लॉक और तोड़ के नीचे जाऊंगा और फिर उससे हो जाएगा। तो यहाँ से आप किल कर सकते हैं उन लोगों को। तो आपको ऊपर में एक ब्लॉक छोड़ के करना है और आपको इस तरह लगाना होगा। तो आप जब भी किल करेंगे पिगमिन्स को तो उनका जो स्वॉर्ड होता है गोल्ड का, वो सारा चेस्ट में जाएगा नीचे, उनका गोल्ड स्वॉर्ड। तो आपको इस तरह हॉपर लगाना है पूरी जगह और इस तरफ भी वैसे ही करना है। उसी तरह आप इस तरफ भी करेंगे। मैंने वहाँ दो ब्लॉक इसलिए तोड़े हैं क्योंकि वहाँ पे स्टिकी पिस्टन लगेंगे। तो मैं पहले यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बना लेता हूँ। आप ये ब्रिक की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, डर्ट, प्लैंक्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लीवर की जगह बटन नहीं यूज कीजिएगा। मैंने लीवर लगाया तो आप भी लीवर यूज कीजिएगा, वरना आपका एक्सपी फार्म में दिक्कत आ सकती है। तो मैंने इस तरह कर लिया है। तो यहाँ पे मैं स्टिकी पिस्टन लगा दूंगा अभी। इधर भी उसी तरह मैं तोड़ दूंगा। तो दोनों तरफ लीवर लग चुका है, हमें थोड़ा ऊपर से ढकना है और नीचे में स्टिकी पिस्टन के ऊपर ब्रिक लगाना होगा। तो आपको याद रखना है, हमेशा एक गैप छोड़ देना है। और मैं डिजाइन के लिए भी कुछ डाल रहा हूँ, मतलब आगे डालूंगा अभी वीडियो में। पहले मैं पोर्टल बना लेता हूँ, फिर नीचे एडजस्ट करेंगे। ओ सॉरी, पोर्टल नहीं, ये इधर एडजस्ट कर लेता हूँ पहले मैं। तो उस तरफ से तो हमारा हो चुका है, इस तरफ भी एक बार चेक कर लेते हैं। हो गई गलती, इतने नीचे से हम सब उन्हें मार नहीं पाएंगे ना। मुझे थोड़ा ऊपर करके लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं वापस से लगा रहा हूँ। आपको पीछे भी उसी तरह करना है। तो जिस तरह मैंने पीछे किया था उस तरह आगे भी। तो आपको इस तरह ऊपर से ढक के फिर यहाँ हॉपर लगाना है आपको। तो आगे देख लीजिए मैं और क्या कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे तोड़ के स्लैब लगा दिया, स्मूथ स्टोन स्लैब। तो आपको इसके ऊपर ये लगाना है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये किस लिए लगाएंगे, प्लीज आप ये भी करें वरना आपका एक्सपी फार्म सही से नहीं बनेगा। फिर आप कमेंट में बोलेंगे कि भाई सही से नहीं बना है। कि मैंने तो नीचे का काम कर दिया, बस चेस्ट लगाना है हमें। तो हम नीचे करेंगे तो चेस्ट ऊपर हो जाएगा। तो हो चुका है यहाँ का भी काम। अब हम सब तरफ से एक बार चेक कर लेते हैं।
सब सही है, बस इधर वो करना होगा। तो ऊपर से मैंने तोड़ दिया है क्योंकि इसका अब जरूरत नहीं है इस ब्रिक का। तो मैंने दोनों तरफ से ऐसे ही तोड़ दिया है, तो आपको भी इसी तरह ऊपर से तोड़ देना है। और ऊपर बस मैं पहले ही बोल दिया था एक गैप छोड़ना है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे एक गैप छोड़ा है आपको भी उसी तरह छोड़ना है। यहाँ पर भी स्लैब लगाइएगा, मैं वैसे यहाँ पर तो डिजाइन के लिए लगा रहा हूँ, आपको कोई और ब्लॉक भी लगाना है तो लगा सकते हैं, मैंने बस डिजाइन के लिए लगाया है। तो ये देखिए स्पॉन हो गया, अब मैं उसे जाके किल करूंगा। तो देखिए यहाँ स्पॉन होते जा रहे हैं, तो आपको दोनों तरफ से ऐसे करना है। सॉरी मैं यहाँ लीवर लगाना भूल गया था। तो इसी तरह ओके, तो अब मैं आपको किल करके दिखाता हूँ। मैंने डायमंड शॉट ले लिया, ये देखिए मैं इन लोगों को किल कर रहा हूँ। रुकिए एक मिनट, मैं सर्वाइवल में जाऊँगा अभी, पहले मैं इन लोगों को थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं अपने पीछे अभी पहले इसको किल करता हूँ, पहले एक मिनट देख लेता हूँ स्लाइम तो नहीं, नहीं है। तो ओके मैं इनको किल करते जा रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप कि मेरी एक्सपी कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है लेवल। तो गलती से मैंने हॉपर को दबा दिया था, तो ये देखिए हमारा लेवल 3 पे पहुंच गया। ये देखिए, तो ये एक्सपी फार्म सबसे अच्छा है, इजी भी है, बस इसमें ये है कि आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप सही से वीडियो समझ नहीं पाए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अभी चेस्ट चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें स्वाड आ गया है, गोल्ड स्वाड है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट चेस्ट में चेक, तो यहाँ पर भी सामान है, तो हमारा एक्सपी फार्म तैयार है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।